देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। भाद्रपद की अमावस्या के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई। आपको बता दें कि भाद्रपद की अमावस्या के दिन सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या का दिन श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ इत्यादि कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। तो वहीं इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या और कुशग्रणी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद की अमावस्या से ही लोग साल भर होने वाले शुभ कार्यों के लिए कुश को आज के दिन जल में भिगोकर उसे रख लेते हैं और शुभ कार्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। भाद्रपद अमावस्या के कुछ समय के बाद ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध कर्म करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए इस अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान साथ साथ पितर भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद की अमावस्या का चित्रकूट में कुछ विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान श्री राम ने चित्रकूट में ही दर्शन दिए थे। इसीलिए भगवान श्री राम के निशानियां को देखते हुए और उनके दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचते हैं और मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाते हैं। तो वहीं अमावस्या साल की सबसे बड़ी दूसरी अमावस्या मानी जाती है। इस अमावस्या में करीब 15 से 20 लाख के श्रद्धालुओं के पहुँचने की प्रशासन ने संभावना जताई थी, लेकिन इस बार 2 अमावस्या होने का मुहूर्त होने पर श्रद्धालु लगातार चित्रकूट पहुँच रहे हैं और अभी तक करीब 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने कामतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि अमावस्या के दिन मंदाकिनी नदी में स्नान करके भगवान कामतनाथ के जो भी दर्शन पूजन करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये भाद्रपद अमावस्या है, ये कुशहारिणी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, इसकी प्रसिद्धि है, क्योंकि आज के दिन पुरोहितगण सभी लोग कुशा निकालते हैं और वो कुश के माध्यम से वर्ष पर्यंत जो भी पूजन कार्य होते हैं उनको संपादित किया जाता है। बिना कुशा के कोई भी पूजन कार्य संभव नहीं होता, जैसा कि इसका आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा महत्व है। जिस जल में कुशा को डाल दिया जाता है वो कुशा पवित्र हो जाता है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, लौकिक पारलौकिक हर दृष्टिकोण से कुशा का महत्व बहुत अधिक है। ठीक इसी प्रकार से आज की अमावस्या कुशहारिणी अमावस्या है, इस कारण भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और ये दूसरी दीपावली कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीपावली के पश्चात अधिकतम श्रद्धालुओं की संख्या इसी अमावस्या पर चित्रकूट में पधारती है, मां मंदाकिनी में स्नान करती है, कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा, मद्गिरिनाथ जी का अभिषेक आदि आदि करके वो जो है यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री अलखन समय, तुलसीदास जी को भी यहीं पर राम घाट में ही चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन भी से तिलक देत रख दी, यहीं पर अमावस्या के दिन ही उनको दर्शन हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, क्योंकि भगवान यहाँ से कभी भी नहीं जाते हैं। तुलसीदास जी बेचारे सारे तीर्थों में रहे, वृंदावन काशी अयोध्या आदि आदि, लेकिन अंत में हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि कलयुग है, सारी दैवी शक्तियों का लोप हो चुका है, एकमात्र चित्रकूट में ही आपको प्रभु श्री राम का दर्शन सुलभ हो सकता है। तो यहीं पर भगवान राम का दर्शन तुलसीदास जी को हुआ। उसी परंपरा से लोग यहाँ पर जनता जनार्दन श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारती है। भाद्रपद की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या। जिला प्रशासन द्वारा किस कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये कौन सी अमावस्या है और इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं, इस अमावस्या का क्या महत्व है, क्या मानता है? अमावस्या है, उस दिन पितरों को जल दान दिया जाता है, जो कुछ इसी दिन निकाली जाती है, जिसमें कोई ग्रहण किया जाता है कुवार के महीने में, और देव पितृ कार्यों के लिए अच्छी अमावस्या है, और इससे पितृ देवता सब शांत होती है, यहाँ आने से श्री राम की कृपा से सबको सबका कल्याण होता है। इस बार क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? प्रशासन तो हम बाहर से आए हैं, तो उनका स्वयं का जो इंतजाम होगा वो उनकी जानकारी होगी। आपको क्या दिखा? रास्ते में बढ़िया दिखा है, सब जगह पुलिस का अच्छा है, बैरिकेटिंग है, भीड़ भाड़ को रोकने के लिए, या देखो कहीं किसी को परेशानी नहीं हो,
सब इंतजाम अच्छे। मेरा नाम नाम है। कहाँ से आए हैं? छतरपुर से। ये बताइए कौन सी अमावस्या है, इसका क्या महत्व है? ये पितर वाली अमावस्या कहलाती है। इसमें जो है तो जो अपने पूर्वज हैं वो खत्म हो जाते हैं, माता पिता, उनके लिए जो एक माह सेवा करना पड़ती है, पानी देना पड़ता है, जल देना पड़ता है, ऐसा है भाई साहब। तो कितनी बड़ी अमावस्या मानी जाती है? ये बहुत बड़ी अमावस्या है, सबसे अच्छी दान करने वाली अमावस्या है। इस बार में आपको क्या अलग दिखाई दिए पिछले हर अमावस्या से प्रशासन के? जी प्रशासन के इंतजाम क्या नजर आ रहा है इस बार? प्रशासन का बढ़िया इंतजाम है, यहाँ पूरी हर जगह हर चौराहे में पुलिस लगी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ का जो हमारा आकलन है लगभग उसी प्रकार से भीड़ का आगमन हो रहा है, किंतु सुव्यवस्थित पार्किंग और लोगों के आवागमन को लेकर के अलग अलग मार्ग निर्धारित हैं, जिसकी वजह से भीड़ जो है इकट्ठा जो है नहीं हो पा रही है, और लोग सुचारू रूप से स्नान करके भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा करके और सुगमता से अपने घरों की ओर लौटते हैं। इस व्यवस्था के दृष्टिगत 7 जोन और 18 सेक्टर में पूरा मेला क्षेत्र बटा हुआ है, जिसमें पर्याप्त तो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है, और साथ ही साथ जो है इस बार पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है उससे बहुत सुगमता है।